एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर सिखाया ओ, तुमने मुझको हंसना सिखाया रोने कहोगे रो लेंगे अब रोने कहोगे रो लेंगे आंसू का हमारे गम न करो वो बहते हैं तो बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर मर भी गए तो देंगे दुआएं मर भी गए तो देंगे दुआएं उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा हो मुझे। क्या अंदाज, क्या आवाज़ महमूद रफ़ी साहब, और ऐसी आवाज़, मतलब ये गाने गुनगुनाने को दिल करता है। ऐसा हमें लगने लगता है कि हम भी गा सकते हैं, हम मतलब हम जो जिन लोगों को उस तरह से रियाज़ नहीं है और गाने का शौक़ रखते हैं, और उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ मैं खासकर। और बहुत अच्छा लगता है, मुझे याद है कि कई सारे लोग मतलब जो आज के सिंगर्स भी हैं उस गाने को गाते हैं और इस अदब के साथ गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जिस अंदाज से इसे गाया है रफ़ी साहब ने वो तो और भी कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका, और थैंक यू सो मच दीपा पालकर जी, थैंक यू सो मच राजेंद्र जुठानी जी, गांधीवली वेस्ट से आनंद मुकाशी, हरीश तुम्हारा भी शुक्रिया, यश शिंदे, एंड दिस इज़ नंबर 846। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग जितने भी बने हुए हैं। प्रकाश शिंदे, थैंक यू सो मच, अखियों के झरोकों से मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊँगा। सचिन साहब से आप मिले हैं, सचिन पिलगांवकर, वंडरफुल और लेजेंडरी एक्टर, और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये मिजाज चल रहा है। अच्छा, मैं पुराने गाने आज के दौर में भी बड़े तरोताज़ा लगते हैं, ऐसे लगता है ना वो शबनम ड्यू ड्रॉप्स हैं और फूलों के गुलदस्तों पे कहीं। तो आप लोगों को जब मैं अगर ये जिक्र करता हूँ, या हम कोई भी आरजे जो भी शो करते हैं ये खासकर, उसमें अगर ये बोलते हैं कि पुराने गाने, सो इमिडिएटली क्या आपके दिमाग में आता है? आप शेयर करना चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं 8657661071 पर। ब्लैक एंड वाइट एरा, गोल्डन एरा,
क्लासिक रेट्रो या फिर वो दौर जहाँ पे रफ़ी साहब का दौर, किशोर सर का दौर और लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, एंडलेस, मतलब तलत महमूद से लेके हेमंत कुमार सर से लेके जिनका भी आप नाम ले लें विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो क्या आपके जहन में आता है इमीडिएट इंस्टेंटली, क्या सोचते हैं आप? ऑफ कोर्स ये फील गुड फैक्टर है और हमें बहुत सुकून पहुँचाते हैं ये गाने और इनके अल्फाज, इनके पीछे के जो मायने हैं इसीलिए इतने स्पेशल होते हैं। तो आप लोग बने रहिए, सफ़र को मैं जारी रखता हूँ, हालांकि ये रेनबो रिवाइंड है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। आगाज़ बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों के मैसेजेस से पता चल रहा है, अब इसे आगे लेकर चलते हैं। अंजाम की फिक्र अभी से नहीं, अब तो आगाज़ है, शुरुआत है, चलते हैं आगे इन गानों के साथ, दिल से दिल तक। सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ए जान वफा तुम खूब मिले, ए जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या दुनिया यदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। आबाद मेरे
बरसों से खिजा का मौसम था, बरसों से खिजा का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा आंचल आया गवार आई, ये देख गर झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। सहरा में रुकते चलते होते इन होंठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये समय थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। हंसी जलवे तुम भी न कहां पहुंचे, आखिर को मेरे दिल तक
कदमों के निशान पहुँचे, खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमीन थम गया आसमान, जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमीन थम गया आसमान, जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा। ग्यारह बजकर अठारह मिनट और 21 सेकंड्स हो चुके हैं और रेनबो रिवाइंड चल रहा है, आप लोग बने हुए मेरे साथ और मैं हूं वसीम और आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल है ये। आप सभी लोगों के मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। काजल का कर चेंबूर से थैंक यू सो मच और यश शिंदे आपका भी शुक्रिया। अच्छा आपने भी मुलाकात की है सचिन सर से और यश शिंदे थैंक यू। राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप 70 साल का जिक्र कर रहे हैं। पुराने गाने जब मैं सुनता हूँ तो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस गाने में मैं अपने आप को पाता हूँ। और लता जी हो या रफ़ी साहब मन्नाडे हो, मतलब ये इमोशनल हो जाते हैं इज व्हाट ही सेइंग। बेंजामिन वाइंडर से हाय हाय और ऑफ कोर्स इन्होंने हमें ये कहा है कि दीपा पालकर जी ने कि वो गाने ऐसे हुआ करते थे जो सीधे सीधे थे और गाने को थोड़ा आसान भी थे और आज के दौर के गाने शायद उन्हें उस तरह से नहीं। ऑफकोर्स लाजमी है ये बात और जब आज के कुछ दौर के होंगे जनरेशन के लोग तो उनको जब पुराने गाने सुनाएंगे तो शायद हर किसी को वो मूड आए ना आए समझ, लेकिन ऑफकोर्स जो सीख रहे हैं गाने वो इन गानों से दूर नहीं रह सकते, ये बात तो तय है। थैंक यू सो मच आप लोगों के फीडबैक के लिए। और पीटर थैंक यू सो मच, भालचंद्र पाठक और जयंत मोनिकलाल दवे आप सुन रहे हैं हमें इस न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के ज़रिए। मैंने कहा था ना इस जहां में जहां कहीं भी हो आप इलिनॉइस से यूएसए से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच सबकी तरफ से। और महेश तुम्हारा भी शुक्रिया और मैं आप लोगों को और भी गाने सुना रहा हूँ। काजल जी और गोल्डन एरा का सोचो तो रफ़ी साहब याद आते हैं उनके साथ, देव साहब, जॉय मुखर्जी, शमी साहब, बिल्कुल ओपी नायर साहब अभी बहुत अच्छा एक्चुअली तुमने जिक्र किया गा लिए। ओपी नायर साहब ने जो एस एच बिहारी साहब ने कश्मीर की गली का जो गाना था, उसके बाद मजरू साहब ने जो गाना लिखा और आरडी बर्मन ने म्यूज़िक दिया तुमने मुझे देखा तीसरी मंजिल से, उसके पहले कश्मीर की गली, वो इस अंदाज से गाने को गाया गया है कि आप जितनी बार सुने, जो मैं ये सोचता हूँ कि जो कंपोज़र थे ओपी नायर साहब और जो लिरिसिस्ट एस एच बिहारी साहब, वो किस तरह से बता रहे होंगे इस गाने के अंदाज को कि इसे इस तरह से गाया जाए, इस तरह से प्रेजेंट किया जाए, और ठीक उसी तरह ही उसे पेश किया गया या उससे और भी बेहतर। तो बात नज़रिए की है, समझ की है, किस तरह से उसे प्रेजेंट करना है। और उसके बाद देखिए ये आज तक हमारे साथ है, बिल्कुल तरोताजा। फिलहाल आप लोगों की कुछ रिक्वेस्ट भी है वो भी सुना देता हूँ रेनबो रिवाइंड पर दिल से दिल तक। गई पंथ निहार आ जा रे
बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे जाग उठी रास्ते दिए थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद बहुत याद आए।
खुदा क्या हुए जिंदगी खो गई कोशिशें की मगर दिल न बहला कई साज छेड़े कई गीत गाए वो जब याद आए बहुत याद आए वो जब याद आए बहुत याद वेलकम बैक। 11:33 हो गए हैं और 5-6 सेकंड्स हो चुके हैं। कितने जज्बाती हो जाते हैं ना ये गानों को सुनकर। आपकी बातें और हम सब जितने भी लिसनर्स हैं, ये रेनबो रिवाइंड का कमाल है। ये गाने जो हमेशा के लिए तरोताज़ा रहते हैं। राजेंद्र जुठानी जी कांदिवली वैसे इतनी सारी बातें, इतनी तारीफ़ों के लिए बहुत शुक्रिया। यश शिंदे, अच्छा लगा तुम्हारी भी ये बात पढ़कर के। गाने मेरे जीवन को बहुत प्रभाव डालते हैं। इनफैक्ट दिस इज़ प्रकाश ओनली, और मनोरंजन का एक तरीका है गाने सुनना। पर बहुत से गाने ऐसे हैं जिनमें जीवन दर्शन है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और कुछ में आस्था है, कुछ में सीख है। बहुत से गाने मोहब्बत से भरे हैं और बहुत आयामी हैं। ये जीवन का एक ज़रिया है ज़िंदगी जीने का।
बेंजामिन थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजल जी। हम बिल्कुल आप लोगों को जो गाने सुना रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो अजय साकरे इंदौर से, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी भी जो रिक्वेस्ट उसे भी गौर कर रहा हूँ ज़रूर। आप सभी लोग बने हुए हैं मेरे साथ, और राजेंद्र जी आपके भी मैसेज का हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। इतनी सारी जो बातें गई, वैसे विश्व पोलियो दिवस आपको पता ही है, और 24 तारीख है गुरु पुष्य योग आज का वो दिन, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जा रहा है, विकास सूचना दिवस भी आज ही के दिन मनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो आप सभी लोगों को इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे हरीश बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल गाने हैं ही ऐसे कि आपको पसंद आए। इनफैक्ट मैंने कोशिश ये की थी कि रफ़ी साहब का जो एक अंदाज़ है, वहीं शमी कपूर साहब के साथ, आपने अगर गौर किया हो तो शुरुआती दौर में, उसके बाद जलने वालों का जिक्र हो रहा है, हम प्यार में जलने वालों को, और उसके पहले एक और सॉन्ग अगर आपको याद हो, वो जब याद आए एंड बहुत, है ना, और उसके पहले भी। सो अब कुछ और गाने जिनकी तरफ मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ इस रेनबो रिवाइंड में, इन्हें भी सुनिए और इनका भी लुत्फ उठाइए। मेरे साथ बने रहिए दिल से दिल तक।
जन मुलाकात हो
जग जागने। ये गाना ऐसा है, वैसे और भी कई सारे गाने, लेकिन खासकर इस गाने को अगर इस पर सोचते बैठ जाएं या ऐसे महसूस कर लें, एहसास हो जाए, तो हर वो रिश्ते जो उलझे हुए हैं उनके उनको सुलझा दें आप, हर वो दोस्त जिससे आपके इन्हें दोस्ती ख़त्म हो गई उसके पास चले जाएं, उसे माफ़ी मांग लें आप, और हर एक को अपने सीने से लगाए, दिल से लगाए, उन लोगों को खासकर जिनको आपने खो दिया या जो आपके पास थे अब नहीं है, या आप जिन्हें चाहते हैं नहीं चाहते, जो भी वजह हो। लेकिन ये गाना एक ऐसा एहसास दिलाता है कि जो भी है बस यही एक लम्हा है, इसी पल को जीना है और उसके बाद ज़िंदगी फ़ानी है, आनी और जानी है लेकिन ज़िंदगी फ़ानी है। फ़िलहाल ये एक घंटा भी बस गुजर ही रहा है और मैं आपसे मिलता हूँ 12 बजे, 24 से 25 में चले जाते हैं, बने रहिए मेरे साथ दिल से दिल तक। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें है, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं। हैं सबसे मधुर वो गीत।
खिले हैं फूल हमारे रंग भरे अरमानों के रंग भरे अरमानों के कांटों में खिले हैं फूल हमारे रंग भरे अरमानों के रंग भरे अरमानों के नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं दामन को बचाए जाते हैं है सबसे मधुर वो जब गम का अंधेरा घिर आए समझो के सवेरा दूर नहीं समझो के सवेरा दूर नहीं जब गम का अंधेरा घिर आए समझो के सवेरा दूर नहीं हर रात का है पैगाम यही तारे भी यही दोहराते हैं तारे भी यही दोहराते हैं है सबसे मधुर वो भी बारिश की बूंद में चलते हैं ले दूर को कहीं रोजाना ढूंढते हैं कोई धुन नहीं चले हम कहीं आकाशवाणी FM रेनबो आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर म्यूजिकली योर्स चलिए हम आ गए हैं 25 अक्टूबर में और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं 12 बज चुके हैं तकरीबन कुछ सेकंड्स ऊपर हो चुके हैं रेनबो रिवाइंड ये सिलसिला चल रहा है और दीपा पालकर जी का ये कहना है कि जो गाने होते हैं ना उसमें वो गाना तो खैर मैंने लग जा गले तो आपको सुना दिया आपकी रिक्वेस्ट यू वेलकम और उन्होंने कहा कि हमें जो इसका कंपाइलेशन होता है ना जो गाने का वो बहुत अच्छा लगता है और लफ्ज़ों को ज़रा नज़रअंदाज करके चलते यही उनका फंडा है देखिए बात गाने को समझकर सुनकर या उसकी धुन को या उनकी आवाज़ को जिस भी तरह से गाना आपको पसंद आए सबसे अहम बात यह है कि आपको वो पसंद आ रहा है कोई वजह तो है बेवजह तो नहीं और बेवजह भी है तो ठीक ही है कई सारे लोग अपना अपना नज़रिया दे रहे हैं और आप सभी लोग आज 25 अक्टूबर आज मशहूर गीतकार साहिर साहब की डेथ एनिवर्सरी है और साहिर लुधियानी साहब के भी कई सारे गाने हमने आपको सुनाए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि आप सब की तरफ से हमारे पूरे लिसनर्स की तरफ से पूरी टीम की तरफ से और वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा और मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया ये और बात है ज़िंदगी ने साथ छोड़ दिया खैर ये मैंने इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की फ़िलहाल साहिर साहब की तरफ रुख ज़रूर करेंगे हम और आप लेकिन प्रकाश तुम्हारी एक रिक्वेस्ट है जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं तो हम सुना देते हैं वो ट्रैक उसके बाद इस मूड को बरकरार रखते हैं आपके साथ रेनबो रिवाइंड पर दिल से दिल तक Thank you.
Thank you.
सपने कहीं कोई ना छीन ले मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई ना छीन ले मन सोच के घबराए यही सोच के घबराए अखियों सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ, रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। ये 12 से पहले या 12 के बाद, ये 11 आ चुका है और 12 के बाद, यानी 12:11 और 10:11 हो चुके हैं। वक्त में ना उलझते हुए, इस पल में ना थमते हुए, आगे बढ़ते हुए हम इस रेनबो रिवाइंड को लेकर चल रहे हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जुठानी जी, मायंग मजुमदार, संत क्रूज से यश, आपको मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका, आपने खुद इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, सो थैंक यू सो मच। और अच्छा साहिर साहब का जो जिक्र किया है आपने, मैंक मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर। हरीश सेठ, थैंक यू सो मच, बेहद खूबसूरत गाने और आप लोगों का साथ यहाँ पर चल रहा है। रशीदा रहमान जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये सारा के सारा कमाल जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हैं, ये जो गाने हैं, ये सब आपके सुनने का फ़न है और इन गानों का असर है, और जो एक कंसिस्टेंटली। अच्छा एक मैसेज ये भी आया था, एक गाना था जो शायद तीसरी मंजिल से फायर प्लेट, या एक गाना था दीवाना हुआ बादल, उन्होंने कहा कि हर अल्टरनेट डे हमें ये गाना सुनने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है, कई सारे लोग इसे सुनना चाहते हैं, लेकिन आप अल्टरनेटली क्यों सुन रहे हैं एफएम रेनबो, आप डेली सुनना चाहिए। थैंक यू सो मच, स्टेडियम आप लोग बने रहिए मेरे साथ और ये गानों का सिलसिला जारी रखते हैं यहाँ पर। हम साहिर साहब को याद करते हुए इनके गानों की तरफ लेकर चलता हूँ आपको, कमाल के शायर, कमाल के राइटर, बने रहिए दिल से दिल तक। ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। Thank you.
की शाखों पे, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बाहर की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समां, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है, इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की जुबान, सुन जा दिल की दास्तां। जाती बहारे हैं उठती जवानियां, जाती बहारे हैं तारों की छाँवों में कहले कहानियां, एक बार चल दिए कर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए डर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आ जा अभी जिंदगी है जवान, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। अभी न जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल
संभल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घूंट भी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं के दिल अभी भरा नहीं अधूरी आस अधूरी आस छोड़ के अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे बुरा ना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं हाँ दिल अभी भरा नहीं Yeah.
तुम से भी करोगे तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तो ही ने मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। साहिर साहब का जिक्र, साहिर साहब के गाने, साहिर साहब के ख्याल, साहिर साहब का अंदाज, मुझे याद है मैंने अमृता प्रीतम जी के भी बारे में जिक्र किया था, आज साहिर साहब के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। काश दोनों का जिक्र एक साथ हुआ होता। खैर, जिंदगी ऐसी ही है दोस्तों, ले देगी अपने पास फकत एक नज़र ही तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी और की नज़र से। हम साहिर साहब के ख्याल बहुत ही कमाल थे, ऑफकोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट विद अदर्स, आप जानते ही हैं मैं अक्सर ये कहता हूँ। वो कहते थे कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसले का हल देगी। नजरिए की बात है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, और गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, और हज़ार बरग गिरे लाख आंधियाँ उठे वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर साहब बहुत शुक्रिया ये ज़खीरा जो आप हमारे लिए छोड़ गए हैं। आप तो इस वक्त हमारे साथ नहीं, लेकिन आपके ख्याल जो उस वक्त आपने महसूस किए होंगे, हम उसे एहसास कर रहे हैं पढ़कर, शायद यही अब मुमकिन है हमारे लिए। फ़िलहाल कुछ और गाने मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रूर गौर करिएगा ये रवानगी पर, ये अंदाज पर, ये ख्याल पर, उन अल्फाजों पर, क्या कैफियत होगी, क्या हालात होंगे, और जो सोच कर लिखा गया होगा। ऑफकोर्स स्टोरी भी नरेशन होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक पर्सनल साइड आ ही जाता है, और फिर वो गाना अपने आप में एक मकाम बना ही लेता है। फिलहाल आप लोग हैं मेरे साथ रेनबो रिवाइंड पर, ऑलमोस्ट आधा सफ़र तय हो गया है आप लोगों के कॉल्स मैसेजेस के बीच में, चलिए आधा और है, उसे भी लेकर चलते हैं आगे, दिल से दिल तक। अब ऐ जाने अदा हम क्या करें, उम्मीदों के खिले गुलशन को
कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें तुम्हें कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें दो आग दिल की आग इसे खुल कर हवा दे दो बुझा दो आग दिल की आग इसे खुल कर हवा दे दो जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें
एक पल है। रवि सर का म्यूज़िक था और जो भी है बस यही एक पल है, शायर साहब ने लिखा। आप लोग को
अगर गौर किया होगा हर गाने की एक हुक लाइन होती है, जैसे इसमें है कि जो भी है बस यही एक पल है, और वो कितनी बार रिपीट हुआ है आप अगर ये गाने का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप मुझे भेज सकते हैं 8657661071 पर। कोशिश करें पता करें आखिर कितनी बार, थोड़ा काम भी लगा दिया आप लोगों को। फिलहाल कुछ और गाने हैं लेकिन शायर साहब का जिक्र कर रहे हैं, उनके गाने चल रहे हैं। वो एक महान उर्दू शायर और गीतकार भी थे और प्रसिद्ध गाने कई सारे हैं उनके, तो मैंने आपको कितने सारे सुना भी दिए है ना। और वो जन्मे थे लुधियाना में और 1928 का जिक्र है यहाँ पर, और कई सारे हिंदी फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे, शायरी मोहब्बत ज़िंदगी और समाज के जो मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखती थी। और 1964 में उन्हें अवार्ड भी मिला था बेस्ट लिरिसिस्ट का, और हिंदी सिनेमा के लिए तो कहा जाए तो अमूल्य ध्यान है, और बिल्कुल सही कहा। और दीपा पालकर जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ों के लिए। और इनायत लफ्ज़ बहुत बार आया है, इनायत का मतलब जी हाँ एक इनायत होगी, पाँव छू लेने दो है ना, इनायत होगी कहीं ना कहीं एक एहसान ही कह दें उसे, या एक करम हो जाएगा, रहम थोड़ा सा नहीं लेकिन एक तोहफे के तौर पे कोई इनायत हो जाए है ना, उस तरह से आप उसे कह सकते हैं। और कई सारी बातें हैं इसके, कई सारे मायने निकलते हैं। और इनायत ये होता है कि कोई चीज़ बिन मांगे मिल जाए ना, लेकिन उस चीज़ का इंतज़ार हो आपको और वो मिल जाए, क्या खूबसूरत एहसास है वो। ठीक इन्हीं गानों की तरह आप लोग बने रहिए मेरे साथ, दिल से दिल तक। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी ज़ुल्फ़ों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहाँ न सुनो इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
la 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 तेरा मुझसे है पहले का नाता पहले कनाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई जाने तू या जाने ना माने तू या माने ना मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल होता कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल होता कोई आगे क्या है डैडी मैं तो भूल ही गया वादे गए बातें गई जागी जागी रातें गई चाह जिसे मिला नहीं तो भी हमें गिला नहीं अपना है क्या जिए मरे चाहे कुछ हो तुझको तो जीना रासा गया जाने तू ओ माने तू या माने ना ला 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 अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर 870-001-4242 आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकलिया
बारह बजकर 50 मिनट हो गए हैं और 40-41 सेकंड हो चुके हैं। रेनबो रिवाइंड का दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल होने आ रहा है और उसके बाद आखिरी जो इस 25 अक्टूबर 2024 का ये रेनबो रिवाइंड होने वाला है, वैसे वक्त तो लौट आएगा। ये हालात, ये मंज़र, ये माहौल, ये नज़ारे, ये शायद वापस नहीं आएंगे। जो एहसास हम इस वक्त कर रहे हैं उसमें भी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। इसीलिए जो भी है बस यही एक पल है, इसे खुल कर जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनायत का मायने होता है एक फेवर करना भी होता है, काइंडनेस भी होता है। प्रकाश, बहुत अच्छी बात तुमने कही कि साहिर का मतलब होता है जादूगर, और वाकई में साहिर लुधियानवी साहब की अगर बात करें तो वो किसी जादूगर से कम नहीं। और उन्हें 25 अक्टूबर 1980 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। कोटि कोटि नमन, बिल्कुल सही बात है। और जो आता है बशर तो कहती है कज़ा के याद रहे, मैं भी पीछे चली आती हूँ। वेल, ये सिलसिला जारी है। अगर एक गाना आपको याद होगा कि ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। फ़िलहाल हम हैं इस वक्त आपके साथ और ये प्रोग्राम है रेनबो रिवाइंड, और साथ ही साथ ये गाने, दो मुख्तलिफ गाने सुनिए और बने रहिए दिल से दिल तक। आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग छुप कर मैं जहाँ
जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बारिश की बूंद में बातों में यादों में नेक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी एफएम रेनबो, आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स। ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी,
गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी, गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। नमस्कार आदाब अर्ज़, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रेनबो रिवाइंड। और एक बज चुके हैं, मैं उस तरफ जाता हूं जब मैं 11 बजे आया था और ये 2 घंटे तब नहीं तय किए थे हमने आप लोगों के साथ। और अब जब मैं उस 11 बजे के बारे में सोच रहा हूं और जो सिलसिला चलता आ रहा है और आप लोगों के फीडबैक, मैसेजेस, कॉल्स, मैं कितनों का शुक्रिया अदा करूं, कितनों का ना करूं, कितनों के मैसेज शायद रह गए हों, कितनों के कॉल्स में शायद मिस कर गया हूँ, लेकिन ये मुमकिन है कि जो गाने आप सुनना चाहते हैं वो बिल्कुल सुना रहा हूँ। प्रदीप कृष्णा, थैंक यू सो मच। चेंबूर से काजल कक्कर जी, आपका भी शुक्रिया। और बिल्कुल अच्छे गाने हैं, चॉइस ऑफ सॉन्ग्स आर रियली गुड। तो राजेंद्र परमार, थैंक यू सो मच, आदरणीय आप भी। और यश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दीपा जी, आपका भी। सभी लोग, स्नेहा वर्ली से और जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वक्त, इस लम्हे में इस प्रोग्राम को रेनबो रिवाइंड, ये खूबसूरती है इन गानों की और इस बात की। वैसे कई सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन हम बस यहीं पे ठहर गए हैं ना, और इतनी सारी बातें निकल के आ गई, कहां से कहां तक चले गए ना हम। 25 अक्टूबर का अगर जिक्र करें तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाते हैं। रचनात्मक मानवीय अभिव्यक्ति के रूप में कला असंख्य चीज़ों को समेटे हुए है। ये जीवन की सुंदरता या कड़वी सच्चाई को चित्रित करती है। ये इतिहास, क्रांतियों, विद्रोहों को दर्ज देती है और कभी कभी उसके बचने का एक साधन भी होती है। और साथ साथ कई सारे नज़ारे जो हम देखते हैं उसे देखकर या उन्हें देखकर, कई सारे हैं तो उन्हें लाजमी है, उन्हें देखकर नज़रिया बदल जाता है, मिजाज बदल जाता है। और जो आर्टिस्टिक माइंड होता है, क्रिएटिव माइंड होता है, उसकी तरफ रुझान हो जाता है। सो हैप्पी आर्टिस्टिक डे आप सभी लोगों को, आर्टिस्ट डे। तो जितने भी हैं वो अपने इस कला को दर्शाएं बिल्कुल और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी कला को देखकर दूसरे भी प्रोत्साहित हों और इंस्पायर हो जाएं। इम्प्रेस तो क्या ही होना, इम्प्रेशन तो अपने आप पढ़ ही जाएगा। फिलहाल चलिए रेनबो रिवाइंड को और दूसरे गानों की तरफ लेकर चलते हैं, थोड़ा सा मूड बदलते हैं, लेकिन बने रहते हैं यहीं एफएम रेनबो पर, दिल से दिल तक। Hey!
ना हमने सुना
कितने साहिल ढूंढे कोई न सामने आया, कितने साहिल ढूंढे कोई न सामने आया, जब मझधार में डूबे साहिल थामने आया, तुमने साहिल को पहले बिछाया होता, खामोश साफ साना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा दोस्तों। साहिर साहब भले हमें इस वक्त नहीं हमारे साथ दुनिया को छोड़ गए और हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें उनकी बातें उनका जिक्र अक्सर चलता है। तो मुझे भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की थी। कितनी आसानी से सारी बातें कह देना और उसका एहसास भी दिला देना, अपने हालात का अपने जज्बात का एहसास दिलाना, ये बहुत कमाल की बात है। जो आप कहना चाहते हैं वो बात आप कह देते हैं और सामने वाला ठीक उसी तरह से समझ पाता है, और समझ तो जाना अलग बात है ही, वो एक अलग बात है, लेकिन खुद अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लाना और अपने आप पर उन बातों को लगा लेना, अपने सीने से लगा लेना और सीने में रख लेना, दफन नहीं कहूँगा मैं क्योंकि शायद वो एक नकारात्मक सोच होगी, तो मुझे लगता है कि सीने से लगा कर रखना उन बातों को और फिर वक्तन फ़ौक्तन टाइम एंड अगेन उसे बाहर लाना और फिर उन बातों का एहसास फिर से हो जाना और फिर साहिर साहब का ख्याल आ जाना। कमाल है ना, ये बातें बस यूं ही कुदरती तौर पर मैं आप लोगों के साथ जिक्र करता चला जा रहा हूं। और रशीदा जी बिल्कुल मैं प्ले करता हूं जो रिक्वेस्ट आपने की है, और ये आपने इतने सारे काइंड वर्ड दिए। राहुल खानविलकर थैंक यू सो मच आपका। काजल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए भी। राजेंद्र जुठानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र परमार, यश तुम्हारा भी शुक्रिया। सो आप सभी लोग जितने भी बने हुए हैं इस वक्त मेरे साथ और ये वक्त फिर से कुछ यादों की तरफ, पुराने गानों की तरफ जाने के लिए कह रहा है, तो चलिए अदब लाजमी है और हम लौट कर आते हैं क्योंकि ये रेनबो रिवाइंड है। इन गानों के उस पार मिलते हैं दिल से दिल तक। छुप
नारात इसे पेश करूं नगमा शेर की सौगात इसे पेश करूं नगमा मन रे तू काहे ना धीर धरे ओ निर्मोही मोह ना जाने जिनका मोह करे मन रे तू काहे ना धीर धरे किसने बांधा रंग पे किसने पहरे डाले रूप को किसने बांधा काहे ये जतन करे मन रे काहे ना धीर धरे उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना बिसरा दे कोई ना संग मरे मन रे तू काहे ना धीर धरे निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे मन रे तू काहे ना धीर धरे सुनो ना हाँ सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ तो रोका किसने है हाँ रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं मुझसे तुमसे तो अच्छा बताओ फिर आकाशवाणी है ना मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है पर उससे मेरा क्या फायदा देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है मैं बताती हूँ नंबर नोट करो 870-001-4242 ओ 870-001-4242 लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर एक बजकर 24 मिनट हो गए हैं और 43-44 सेकंड्स हो चुके हैं रेनबो रिवाइंड और मैं आप लोगों के साथ इन गानों को लेकर चल रहा हूं थैंक यू सो मच काजल जी बहुत बहुत शुक्रिया शाम होते ही मन में एक सवाल उठता है आज दिन ढला है या उम्र मेरी क्या बात है
मैंने पहले ये शेर सुनाए हैं, शायद मैं आज फिर दोहरा देता हूँ क्योंकि आपने शह दी है इस शेर के ज़रिए। तो मैं वो शेर कहता हूँ कि शाम होते ही बुझा दो इन चिरागों को जो रोशनी होती है। तो शाम होते ही बुझा दो इन चिरागों को कि खुशी की महफिल में क्या काम जलने वालों का। अब यहाँ पे वो गाना आना चाहिए था ना, हम प्यार में जलने वालों को चैन का, जो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। चलिए अब शाम से सफ़र तय करके रात की तरफ, और साथ में ये गाने आप लोगों के लिए रेनबो रिवाइंड पर दिल से दिल तक। एक और बात जो आप लोगों की रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंची है वो मैं ज़रूर पूरी करूंगा। फिलहाल आप ये गाने सुन लीजिए और उसके बाद लौट कर आइए। Thank you.
कहीं पे बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे। अरे क्या बात चली, ये बातें चलती रहे, ये रातें चलती रहे। मैं मन का मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा, मंदिर से पूजा मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को इन कस्मों को इन रिश्ते को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर, 870-001-4242। 1:33 हो गए हैं और 55-56 हो चुके हैं और ये गानों का सिलसिला जारी है और मैं आप लोगों के साथ हूँ वसीम। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस, और मैंने जितनी भी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो बातों का जो भी आप लोगों ने फीडबैक दिया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और वो जो शेर व शायरी का भी मैंने जिक्र किया। वैसे कई सारे ऐसे गाने हैं आप जानते होंगे, लेकिन उनमें से एक गाना ऐसा है जो बहुत मशहूर था और एक पुराने इंटरव्यू में इस बात के बारे में कही गई थी, ये बात किसका जिक्र हुआ था कि तकरीबन रात के 2 बजे ये गाना लिखा गया था और गाना कितनी देर में पूरा हुआ था पता है? सिर्फ 10 मिनट में। 1982 की ये फिल्म थी और उस फिल्म का गाना मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल ये 2 गाने जो आप सुनेंगे उसके बाद जो अगला गाना होगा वही वो गाना है जिसका जिक्र मैं फिलहाल कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा मिजाज बदलते हैं, आप और हम रेनबो रिवाइंड पर दिल से दिल तक। दीवाना। एक दीवाना शहर में। एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में। दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबूदाना आबूदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबूदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबूदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। गलियों में
अपना भी कोई घर होगा। अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा आसमानी रंग की आंखों में। आसमानी या आसमानी? आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं शहर में रात में या दोपहर में आप जाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे जमीन पर तारे और जमीन पर अफसोस जब तारे जमीन पर जलते हैं आकाश जमीन हो जाता है उस रात नहीं फिर घर जाता वो चांद यही सो जाता है। शहर में रात में या दोपहर में आप जाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने दो दीवाने दो दीवाने हाँ दो दीवाने दो दीवाने Thank you.
बहुत तरसा है ये दिल तेरे सपने सजा के, बहुत तरसा है ये दिल तेरे सपने सजा के, ये दिल की बात सुन ले मेरी बाहों में आके, जगा कर अनोखी प्यास मन में ये मीठी आग जो दहका रही है, ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है। तुमको देख
देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तो ये ख्याल आया। जी हाँ, तो ये थी वो फिल्म गजल, साथ साथ जावेद अख्तर साहब ने जिसे लिखा था। अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हुआ है, मैं मिलूँ आपसे अगले प्रोग्राम में, लेकिन जाने से पहले कुछ और खूबसूरत गाने जो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि इनसे भी आप पसंद करेंगे। वैसे किताबें पढ़ा करो ताकि आप लोगों से बहस नहीं तर्क कर सको, और वो लोग जो आपसे कहते हैं ना आप काबिल नहीं हो, उनसे बस मुस्कुरा कर ये कहना, वक्त बताएगा। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी अजनबी कौन हो तुम। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया
अजनबी कौन हो तुम ख्वाब का रंग अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है अजनबी अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है अजनबी कौन हो तुम कहीं ना मेरी राहों का दिया तेरी आंखें
मेरे गम की दवा तेरी बातें, तो फिर और दिया तेरी आंखें, मेरे गम की दवा तेरी बातें, तो फिर और जाना है कहां। कहीं न जा आज, कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये दीवाना हो कर में है सारा जमाना, मेरा क्या करेगा ये जहां। जाने वफा सच है किसको बता, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, की बूंद में बातों में यादों में नई एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी एफएम रेनबो, आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज, म्यूजिकली योर्स।